बता दें, तुनिशा केस में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान। तुनिशा और श्रीजान में दोस्ती थी, ब्रेकअप के बाद तनाव में थी तुनिशा। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ब्रेकअप के बाद तुनिशा डिप्रेशन में चली गई थी और इसी डिप्रेशन में तुनिशा ने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि अभी तक पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ये हत्या है, आत्महत्या है या फिर कुछ और। डेथ हुई वो लड़की है और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्टरूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसके ऊपर वालियू पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है।